राजधानी लखनऊ में 20 मई को मतदान होना है। हर वर्ग के साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवा वोटर्स पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लखनऊ के कॉलेजों में भी मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के नवयुग कन्या महाविद्यालय में भी लगातार मतदाता जागरूकता कैंपेन चल रहा है। छात्राओं को वोट का महत्व बताने के साथ उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छात्राएं रंगोली और पोस्टर मेकिंग आदि गतिविधियों के माध्यम से भी मतदाता जागरूकता का संदेश दे रही हैं। कांग्रेस के एमएलए के भाई ने इस्तेमाल किया जो टीवी चैनल्स पे आ रहा है कि वो माड़ीगा समाज जिसके लिए लगातार मोदी जी ने प्रयास किया है, बाकी सरकारों ने नहीं किया, उनके विषय में जो प्रधानमंत्री टिप्पणी की है ये मोहब्बत। यहाँ पर हमारे यहाँ मतदाता जागरूकता के अंतर्गत 2 महीने से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि पोस्टर मेकिंग, रंगोली, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, और काफी संख्या में छात्राओं ने वोटर आईडी कार्ड बनाया जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने थे, क्योंकि हमारे ग्रेजुएट कॉलेज है तो कुछ काफी बच्चे 18 इयर्स के अबव थे, कुछ उससे जो उनको छोड़ के बाकी 18 इयर्स के अबव का सबका बन गया। और मैं तो अब लास्ट मोमेंट पे यही अपील करूंगी कि 20 मई को जब लखनऊ में वोटिंग है तो सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आगे आए और वोट जरूर डालें, क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है पर साथ ही साथ हमारा परम कर्तव्य भी है। उस दिन छुट्टी ना मनाएं, पहले वोट डालें फिर जलपान करें, और घर का चूल्हा तभी जले जब आपके यहाँ वोट पड़ जाए। आप स्टूडेंट्स में से जिन्होंने खुद अपने यहाँ पर लैपटॉप ला करके ऑनलाइन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया, तो लगभग 1500 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें अधिकतर के तो वोटर आईडी उनको मिल भी चुके हैं, बाकी सभी के पास एटलीस्ट रेफरेंस नंबर आ चुका है। उस रेफरेंस नंबर से ये लोग चेक भी कर पा रहे हैं कि इनका एपिक नंबर क्या है, और फिर उसके बाद खाली कार्ड तक ना सीमित रहे, उसके बाद क्योंकि नए हैं तो इनको जोश ज्यादा है, तो इन साथ में ये भी बताया गया कि वोट देना तो है लेकिन देते समय ध्यान में बहुत और सारी चीजों को भी रखना है, कि ऐसा ना हो कि आप किसी लालच में आकर के या किसी धर्म, भाषा, जाति के आधार पर कि हमारी कास्ट का खड़ा हो रहा है इसलिए हम दे दे, बिना सोचे समझे नहीं देना है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। तो अधिकार अगर दिया जा रहा है तो साथ में दायित्व का भी आपने निर्वहन करना है इसके लिए।